हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी SSSC पेट के एग्ज़ाम के लिए 500 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कृपया इस सेशन को लास्ट तक देखें और इसको हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि आपका कम टाइम में और ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकें। ठीक है, तो सीधे सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद, पुणे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। जो औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 हुआ वो कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली, और किसके द्वारा, नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? कंट्री ऑफ द ईयर किस में, विवा टेक सम्मेलन, स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में जो हुआ, तो किस कंट्री को? ऑप्शन है यूक्रेन, जर्मनी, भारत, इटली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत को, कंट्री ऑफ द ईयर भारत। अगला क्वेश्चन, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? ऑप्शन वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या भारत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड ने, किसके खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS के बैठक की मेजबानी किस देश ने की, चीन, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने की है इसकी मेजबानी, भारत ने। अगला क्वेश्चन, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के लिए शुरू की गई? ऑप्शन कोयम्बटूर से शिरडी, शिरडी से गया, नासिक से वाराणसी या कोयम्बटूर से वाराणसी। तो भारत गौरव ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, कोयम्बटूर से शिरडी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो ड्रोन नीति को मंजूरी किसने दी है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश या गंगटोक सिक्किम। तो मुख्य सचिवों के पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ ये कहाँ पर हुआ, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? भारत, अमेरिका, UAE एवं इसराइल, भारत, इसराइल, अमेरिका एवं ब्रिटेन, भारत, UAE, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत, अमेरिका, UAE एवं इसराइल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा I2U2 ग्रुपिंग में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने लॉन्च किया, कर्नाटक। फ्रूट्स सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया, कर्नाटक। फ्रूट्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय, ऑप्शन महाराष्ट्र, गोवा, केरल या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। बालिका पंचायत कहाँ शुरू हुई, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा आयोजित द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ऑप्शन है इसरो, HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, बार्क। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, DRDO के द्वारा। उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया, DRDO। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? राष्ट्रीय राजमार्गों का विनिर्माण, एक्सप्रेसवे का निर्माण, सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण या सेना में युवाओं की भर्ती। तो अग्निपथ की योजना का संबंध किससे है, सेना में युवाओं की भर्ती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? गुरदीप सिंह, सतीश शिवलिंगम, प्रदीप सिंह या गुरु नायडू सेनापति? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नायडू सेनापति। IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि कहाँ हुई है? मैक्सिको के लियोन में, ठीक है। और इसमें भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? गुरु नायडू सेनापति। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, चो सूल हुई उत्तर कोरिया की पहली विदेश मंत्री या उपयुक्त सभी? तो अभी हाल ही में ये नियुक्तियां हुई हैं तो इनमें कौन सही है? उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक क्या है? IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के बारे में, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, या दोनों सही है, दोनों गलत है? तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है जानवरों के लिए, उसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स, जूकोवैक्स, कार्बीवैक्स या कोनोवैक्स? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनोकोवैक्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एनिमल से आप रिलेट कर सकते हैं एनोकोवैक्स। अगला क्वेश्चन, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो बीच विजिल ऐप किसने लॉन्च किया है? गोवा सरकार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल सरदार उधम फिल्म के लिए, अभिनेत्री कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए, निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म के लिए? सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। केवल कथन एक और दो सही है, केवल कथन दो और तीन सही है, कथन एक दो और तीन सही है, सभी कथन सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सही है। अभी से सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे? विकी कौशल मूवी सरदार उधम सिंह, अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए, निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह और फिल्म सर्वश्रेष्ठ कौन सी रही? शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या एकता विष्ट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिताली राज। किसने घोषणा की? मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? पुरुष हॉकी एशिया कप जो कि कहाँ हुआ? जकार्ता में। चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया या इंडोनेशिया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वर्षा टेप्पन को मिला है, लॉरियल स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉमसन हेरा या लॉरियल टीम ऑफ द ईयर इटालियन मेंस फुटबॉल टीम? तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। और ये तीनों आपको याद रखने हैं, लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वर्षा टेप्पन, स्पोर्ट्स वुमेन एलेन थॉमसन हेरा और टीम कौन सी रही है? इटालियन मेंस फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया है नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन? गुजरात। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर किसका हो जाएगा? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किस अवार्ड से? एक्सीलेंस इन सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया के सबसे बड़े लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? देहरादून, बीकानेर, पुणे या नैनीताल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हो चुका है, एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, उत्तराखंड, नैनीताल। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पंचकुला हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, जालंधर पंजाब? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हुए हैं ये कहाँ पर हुए हैं? पंचकुला हरियाणा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? आंचल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, आंचल अभियान राजस्थान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सुजाय लाल
थाओसे, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, जुल्फिकार हसन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, बजराम बेगज, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऊपर के सारे कथन क्या है, सही है। यानी सुजाय लाल थाओसे ये क्या है, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बनाए गए हैं। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। बजराम बेगज ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात टाइटंस। ये पहली बार शामिल हुई थी IPL में और पहली बार में खिताब इसने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। थर्टीन का सी हो जाएगा, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोलकाता, IIM इंदौर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, IIM अहमदाबाद, कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, IIM अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत ने जीता है FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व में पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखी गई है, जो पर्यावरण दिवस 2022 है इसकी थीम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, केवल एक पृथ्वी, जैव विविधता, पृथ्वी की सुरक्षा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन अर्थ, यानी कि केवल एक पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और मनाया कब जाता है, 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो संत कबीर नगर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघ EA परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। मेघ EA परियोजना कहाँ चल रही है, मेघालय में, मेघ से याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, टाटा प्रोजेक्ट, लार्सन एंड टर्बो, GMR ग्रुप, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन निर्माण कर रहा है, टाटा प्रोजेक्ट। और ये जेवर एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, नोएडा, उत्तर प्रदेश, यूपी में है, यूपी पे कहाँ, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम। तो ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है सिक्किम ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या किरण रिजिजू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया, भारत को इसमें 180वां स्थान प्राप्त हुआ, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी हुआ है इसमें डेनमार्क शीर्ष पे रहा है, कुल 180 देश शामिल थे और भारत को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर उद्घाटन किया गया, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया, ऑप्शंस गुजरात, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात के तट पर। कौन सा ऑपरेशन, नमकीन, ऑपरेशन नमकीन किससे संबंधित, क्या बरामद किया गया, कोकीन। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? मशरूम सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है? उत्पादन झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां डेम्फल पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। केवल कथन 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल कथन 2 और 3 सही है, सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हैं। ऐसे क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता हो चल जाएंगी। अब जैसे 24वां डेम्फल पिक्स था तो यहाँ पर इसका आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील में। शीर्ष पर कौन रहा? यूक्रेन। भारत की रैंक क्या रही? 9वीं। और कितने मेडल? 16 मेडल। अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अच्छ किस शहर में लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागपुर, इंदौर, बीकानेर, जयपुर। तो रेडियो चैनल अच्छ कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने जीता है? हरियाणा ने। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? रमेश बाबू प्रज्ञानंदन, विश्वनाथन आनंद और आर प्रज्ञानंदन या डी गुकेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का डी गुकेश। कौन सा? ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सूरत, जयपुर, विशाखापत्तनम या मुंबई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से क्या पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? सूरत, इंदौर, आगरा या मुंबई? तो सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? आगरा। किस पर आधारित? वैक्यूम आधारित, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप किसने विकसित किया है? ये महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या जेट एयरवेज? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके किसने किया है? इंडिगो ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीन बैंक परियोजना को मंजूरी किसने दी? महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? केजल वाटकिस, मारिया वाटकिस, जेसिका वाटकिंस या रॉबर्ट हाइंस? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेसिका वाटकिंस। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला। अगला क्वेश्चन, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? अटल टनल, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, महात्मा गांधी सेतु, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अटल टनल को दिया गया है ये बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? वाराणसी, रायपुर, पुणे या भोपाल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्टो करेंसी, जहाँ पर पेमेंट किसे कर सकते हैं आप क्रिप्टो करेंसी से, भोपाल में खोला गया है ये कैफे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के हेरा कलियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? कहाँ पर? यूनान के हेरा कलियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सी महिला बनी है?
अंचिता सिवली, हर्षदा शरद गरुड़, ज्ञानेश्वरी यादव या वी रितिका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हर्षदा शरद गरुड़, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया है, सिंगापुर, चीन, वियतनाम, स्विट्जरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी, सबसे लंबा कांच ब्रिज। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो चुका है पिछले सेट में, सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर खोला गया है, तो वो चेक गणराज्य में। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जिसको LPU कहते हैं 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, केवल कथन एक और दो दोनों सही हैं, या तीनों कथन सही हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों कथन सही हैं। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 हुए कहाँ पर हुए थे, ये हुए हैं बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसमें शीर्ष पर कौन रहा, जैन यूनिवर्सिटी, और सेकंड पर LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है, बांका, भागलपुर, पूर्णिया या पटना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, पेरिस, जेनेवा, मैड्रिड या रोम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, टोक्यो, वाशिंगटन DC, नई दिल्ली या कैनबरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ आयोजित हुआ, टोक्यो। कौन कौन शामिल है, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड कंट्रीज, और हुआ कहाँ पर था ये 2022 में, टोक्यो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, मणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मणिक साहा कौन है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त और मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है, राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ, रसीद किदवई, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। लेकिन ये तीनों बुक आपको अलग अलग ध्यान रखनी है, हालांकि ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स किसकी है, रशीद किदवई की, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया प्रकाश सिंह की, और लेट मी स्टेट नाउ राकेश मारिया की है ये वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये एकदम सही बात है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे हैं, ये भी एकदम सही है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से 150 पर आ गई। तो भारत की रैंकिंग याद रखनी है, 2021 में 142वें पे थी और 2022 में कहां पर पहुंच गया है भारत, 150 में, किस में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी यहां पर तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सही। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सी सुमेलित है, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, ई अधिगम योजना हरियाणा, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश, चारा बिजाई योजना हरियाणा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है, ई अधिगम हरियाणा की है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश की है, चारा बिजाई हरियाणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, सचिन तेंदुलकर, सुमित अंतिल, नीरज चोपड़ा या मिताली राज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पानीपत में स्टेडियम किसके नाम पर बनेगा, नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला, प्रियंका मोहिते, प्रेमलता अग्रवाल, बछेंद्री पाल, मालवत पूड़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रियंका मोहिते, किसने किया है, प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई होप बनाने की घोषणा किस राज्य के ST और SC विभाग ने की है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा या उड़ीसा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। अगला क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया, रूस, चीन, भारत, अमेरिका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर किसे मिला है, भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइरस पूनावाला, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, अश्विनी भट्टाचार्य, डॉक्टर सिंथिया रोशनज वेग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डॉक्टर सिंथिया रोशनज वेग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई या बेंगलुरु? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। क्या चीज़? फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्राज़ील के कोक्सियास डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 8 गोल्ड 1 सिल्वर 7 ब्रांज समेत कुल 16 मेडल जीते। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। सुमित दहिया ने कुश्ती में, योम धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, कथन एक और दो दोनों सही हैं, या तीनों कथन सही हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों कथन सही हैं। ब्राज़ील के कोक्सियास डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक, भारत ने कितने गोल्ड? 8 गोल्ड 1 सिल्वर 7 ब्रांज को टोटल मेडल 16। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण जीता है। सुमित दहिया ने कुश्तियों, धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन, दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हेलसिंकी फिनलैंड, कोपनहेगन डेनमार्क, स्टॉकहोम स्वीडन या ओस्लो नॉर्वे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोपनहेगन डेनमार्क। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन भाग किसने लिया? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान? तो सांबा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी जो दानिश सिद्दीकी थे, इनके साथ साथ और किसे किसको दिया गया है? सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी, अमित दवे या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। चार लोगों को मिला है, चार भारतीयों को पुलित्जर पुरस्कार। कौन कौन? दानिश सिद्दीकी, सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी और अमित दवे। चारों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्पाइस जेट, इन्फोसिस या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे तेजी से इसमें ग्रो कौन सा कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी या राजनाथ सिंह? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्तार अब्बास नकवी, यानी 28 का सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अमृत सरोवर। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहले अमृत सरोवर का, देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे टेम्पलटन फाउंडेशन द्वारा टेम्पलटन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? फ्रैंक विल्जिक, डॉक्टर जेन गुड़ाल, बिल गेट्स या फ्रेडरिक रैली? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसे दिया गया है? फ्रैंक विल्जिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए निधन एवं उनसे उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान UAE के राष्ट्रपति थे, पंडित शिवकुमार शर्मा संतूर वादक थे, टोनी ब्रुक्स फार्मूला वन ड्राइवर थे या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। पंडित शिवकुमार शर्मा संतूर वादक थे, टोनी ब्रुक्स फार्मूला वन ड्राइवर थे और शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान ये UAE के राष्ट्रपति, जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली या मुंबई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? रियल मैड्रिड, चेल्सी, स्पेनियोल या लिवरपूल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने जीता है इसको? रियल मैड्रिड ने जीता है ला लीगा 2022। रियल मैड्रिड ला लीगा 2022 फुटबॉल लीग है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ला लीगा किससे संबंधित लीग है, तो ये फुटबॉल से है। किसने जीता? रियल मैड्रिड। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन शुरू करेगा इसे? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम असानी किस देश ने रखा है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या भूटान? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असानी नाम किस देश ने दिया है? श्रीलंका ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? चेन्नई, पुणे, कोयम्बटूर या कोच्ची? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। कौन सी कंपनी ने? फाइजर ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित माघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो जो माघर गांव है ये किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? मधुकर दोषी, कमला पारेख, नवीन कुमार, बालकृष्ण विठल दास दोषी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण विठल दास दोषी, रॉयल गोल्ड मेडल 2022। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री, परम विशिष्ट सेवा पदक, पद्म विभूषण या पद्म भूषण? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का परम विशिष्ट सेवा पदक, इसको जनरल मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? चेतन भगत, ममता बनर्जी, अभिजीत बनर्जी या राजीव बनर्जी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर किसे क्या हो जाएगा? ममता बनर्जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? हड़प्पा, लोथल, राखीगढ़ी या कालीबंगन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर मिली है? राखीगढ़ी, 5000 साल पुरानी है और आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री है, राखीगढ़ी से मिली है। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है इस टाइम? वॉलमार्ट, अमेजन, सऊदी अरामको या टेस्ला? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरामको, किसको छोड़ा है? एप्पल को। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का हराकर किस देश ने थाईलैंड में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? भारत, इंडोनेशिया, डेनमार्क या जापान? तो थॉमस कप इस बार कौन जीता है? 43 का ए हो जाएगा, भारत ने जीता है ये, और किसे हराया? इंडोनेशिया को, और 3-0 से हराया है, ठीक है, गर्व की बात है भारत के लिए। अगला क्वेश्चन, फोर्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया? विराट कोहली, लियोन मेसी, यूरेजी ट्रल या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लियोन मेसी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत, चीन, नेपाल या बांग्लादेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में कर्मचारियों की सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात या झारखंड? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी इसको बहाली किसने दी है? छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 होंगे उसमें तीरंदाजी, कुश्ती और निशानेबाजी ये शामिल नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टी नागस्वरम को GI टैग प्रदान किया गया है? ये वाद्य यंत्र है नरसिंहपेट्टी नागस्वरम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है, नाम से थोड़ा गेस कर सकते हैं, नरसिंहपेट्टी नागस्वरम। अगला क्वेश्चन, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? हैदराबाद FC, गोवा FC, केरल FC या मुंबई सिटी FC? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद FC, इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब पहली बार। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, दुबई UAE, पेरिस फ्रांस या बीजिंग चाइना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुबई UAE। तो इस प्रकार हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अब हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता या ज्ञापन, जिसको क्या बोलते हैं, MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। कानपुर, वाराणसी, अहमदाबाद या सूरत? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर, ऑप्शन नंबर 1। किसके लिए? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए। और किसके बीच में हुआ है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच में, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया जाएगा, कानपुर में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? चेक गणराज्य, यूक्रेन, सूडान या ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चेक गणराज्य शामिल हुआ है। किसकी जगह पर? रूस की जगह पर। चेक गणराज्य किसमें? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एलिजाबेथ बॉर्न, फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के नए उपराज्यपाल, हसन शेख महमूद, सोमालिया के राष्ट्रपति या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके इसमें इंपॉर्टेंट दो हैं, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं और हसन शेख मसूद महमूद ये क्या हैं, सोमालिया के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? रस्किन बॉन्ड, लिसन टू योर हर्ट, द लंडन एडवेंचर, प्रीति शेनॉय, अ प्लेस कॉल्ड होम, बिमल जालान, द इंडिया स्टोरी या उपर्युक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रस्किन बॉन्ड की लिसन टू योर हर्ट, द लंडन एडवेंचर, लिसन टू योर हर्ट किसकी है, रस्किन बॉन्ड, अ प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शेनॉय और द इंडिया स्टोरी बिमल जालान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए निधन से संबंधित कौन सा सही सुमेलित है? लियोनिद क्रावचुक, यूक्रेन के राष्ट्रपति, अब्दुल गफ्फार चौधरी, बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार, एंड्रयू शायमंड्स, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया? ऑप्शन क्या है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? यहाँ पर पूछा क्या गया है, गति शक्ति संचार पोर्टल, तो ये किसके द्वारा किया गया है, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? भारत, दक्षिण कोरिया, चीन या इंडोनेशिया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो उबेर कप है किसने जीता है, दक्षिण कोरिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये पहले भारतीय बने, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? देव सहायम पिल्लई जन्म किस राज्य में हुआ था, एक भारतीय थे, इनको वेटिकन सिटी में क्या किया गया है, एक संत घोषित किया गया है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, किस राज्य में जन्म हुआ था, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? दक्षिण कोरिया, सूडान, जमैका या रवांडा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जमैका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, जमैका की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन किया गया है? किस चीज़ का, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब, कहाँ पर, रायपुर, हैदराबाद, लखनऊ या कानपुर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, हैदराबाद या नासिक? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित दो युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई, मुंबई, कोचीन या बेंगलुरु? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। और नाम के क्या है उनके, स्वदेशी निर्मित युद्धपोत हैं, नाम क्या दिया गया, सूरत और उदयगिरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? कैलाश सत्यार्थी, मुकेश अंबानी, अजय पीरामल या सुधीर कुमार? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजय पीरामल को सम्मानित किया गया है। किससे,
मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? लवलीना बोरगोहेन, सरिता देवी, निकहत जरीन, मैरी कॉम। तो ये बहुत फेमस हुई अभी, निकहत जरीन ने जीता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और पुरुषों में किसने किया था? हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया? IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु, IIT कानपुर या IIT हैदराबाद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? IIT मद्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? कंचनजंगा, गाडविन आस्टिन, माउंट एवरेस्ट या आल्पस पर्वत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों ने सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? रूस, फ्रांस, अमेरिका या चीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? अडानी स्पोर्ट्स लाइन, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप या बायजूज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अडानी स्पोर्ट्स लाइन। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? सरकारी OTT प्लेटफॉर्म, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। किस संस्था द्वारा 1,000,000 महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यूनेस्को, WHO, FAO या यूनिसेफ। 1,000,000 महिला आशा कार्यकर्ता किस अवार्ड से? ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से। किस संस्था ने सम्मानित किया गया है? किस संस्था ने मतलब सम्मानित किया गया है, तो WHO ने सम्मानित किया गया है इन लोगों को। अगला क्वेश्चन। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड या रियल मैड्रिड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने। ला लीगा किसने जीता था? रियल मैड्रिड। इंग्लिश प्रीमियर लीग, ये भी फुटबॉल की है, किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? बेल्जियम, चीन, अमेरिका या वेनेजुएला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया है? बेल्जियम। मंकी पॉक्स वायरस अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था बहुत जगह, तो बेल्जियम ने क्या कर दिया था? क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया था, यह पहला देश बना था। अगला क्वेश्चन। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क के मेयर के रूप में चुना गया है? भारतीय मूल के बिजनेसमैन है वो दूसरी बार चुना गया है किसके लिए? लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क, मुकेश अंबानी, आधार पूनावाला, गौतम अडानी या सुनील चोपड़ा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुनील चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? कैप्टन अभिलाषा बराक, कैप्टन भावना कंठ, कैप्टन मोहना सिंह या कैप्टन रंजीता सिंह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन अभिलाषा बराक। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली। तो प्रगति मैदान कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है जिसे डेजी राकवेल ने ट्रांसलेट किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गीतांजलि श्री, अरुंधति राय, उषा प्रेमदास, सुधा मूर्ति, क्योंकि ये ऐसी पहली महिला बनी है जिनको हिंदी के लिए मिल रहा है। गीतांजलि श्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। और इसका अनुवाद किसने किया है? डेजी राकवेल ने, टॉम ऑफ सैंड नाम से। अगला क्वेश्चन।
किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? गुजरात, राजस्थान, केरल या महाराष्ट्र? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूधवाड़ी नामक रेडियो स्टेशन गुजरात में। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? झारखंड, बिहार, पंजाब या तमिलनाडु? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024, 2025, 2030 या 2040? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2030। भुवनेश्वर में आयोजित क्या हुई थी? राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि हम 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण से प्राप्त करेंगे 2030 तक। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र या वीर चक्र? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शौर्य चक्र। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र हमेशा शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, शांति काल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना IRESP की नींव रखी गई? कर्नूल, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, पूर्णिया, बिहार या पुणे, महाराष्ट्र? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नूल, आंध्र प्रदेश। किस कंपनी द्वारा? ग्रीनको कंपनी। अगला क्वेश्चन, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? नॉर्वे, चेक गणराज्य, इटली, स्विट्जरलैंड? तो ये क्वेश्चन मैं अभी ऊपर बताया हूँ, किस देश का है ये? चेक गणराज्य पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है, यह किस राज्य में खोला जाएगा? आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में खोला जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा। किसका है ये? ब्रिक्स देश का है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ बनेगा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण या अश्विनी वैष्णव? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? सुपरनोवाज, ट्रेल ब्लेजर्स या वेलोसिटी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुपरनोवाज ने जीता है महिला T20 चैलेंज 2022। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? मुंगेर, बांका, गया या जमुई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जमुई, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप ISSF भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया गया है? ISSF कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। भारत शीर्ष स्थान पर रहा, इसमें एक मिनट, भारत शीर्ष स्थान पर रहा तो वो कितने पदक जीता? 30 पदक, जिसमें से 10 गोल्ड, 16 सिल्वर, 4 कांस्य या 32, 12 गोल्ड, 14 सिल्वर, 6 कांस्य, 33 पदक, 13 गोल्ड, 15 सिल्वर, 5 कांस्य या फिर 32 पदक में 13 गोल्ड, 14 सिल्वर, 5 कांस्य? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कितने पदक? 33 पदक, 13 गोल्ड, 15 सिल्वर, 5 कांस्य। 13 गोल्ड जरूर याद रखना, ISSF में कितने गोल्ड आए हैं? 13 गोल्ड, और पहले स्थान पर रहा है, और कुल पदक कितने रहे हैं? 33। अगला क्वेश्चन, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कहाँ राजस्थान के, और राजस्थान में किस शहर में किया गया है ये बताना है? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर या कोटा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। क्या किसने है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई है एक अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। क्या ओपन किया है? पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन सा बन गया है? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ या कोलकाता? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला शहर कोलकाता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुआ को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? कौन सा अवार्ड दिया गया है? एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है, नर्स हैं अन्ना कबाले दुबा,
तो हमें बताना है किस देश से बिलोंग करती हैं, नाइजर, माली, केन्या या सेनेगल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केन्या की हैं। कौन? अन्ना कबाली दुबा, जिन्हें क्या मिला है, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है, IOCL, NTPC, ONGC, HPCL। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NTPC। बालिका सशक्तिकरण मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है, NTPC। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना, उत्तर कोरिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया या वियतनाम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण कोरिया, नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, किसको मिला है इस बार, डेविड एटनबरो, डेविड कैमरन, फिलिप ह्यूज या मार्टिन ब्रुक्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेविड एटनबरो को दिया गया है इस बार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है, डेनमार्क के विक्टर एलेक्सेक्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता। ऑप्शन से केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों कथन सही हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप डेनमार्क के विक्टर एलेक्सेक्सन ने स्वर्ण जीता है और भारत के लक्ष्य सेन ने रजत जीता है। अगला क्वेश्चन, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है, नई दिल्ली, भोपाल, वाराणसी, कोलकाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, कार्बन न्यूट्रल खेती, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन न्यूट्रल खेती किसने शुरू की है, केरल ने। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। तो जो नई रोशनी योजना है किस मंत्रालय ने शुरू की है इसे, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है, डेनिस पार्नेल सुलिवन, एडवर्ड विटन, एंड्रू वाइस या डेनिम सुलिवन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिला है कौन सा पुरस्कार, एबल पुरस्कार, जिसको बोला जाता है गणित का नोबल, और दिया किसके द्वारा जाता है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको मिला है, डेनिस पार्नेल सुलिवन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है, फिलीपींस में जो आयोजित हुई है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो पीवी सिंधु ने कौन सा जीता है, स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांस्य, यानी ये ऑप्शन सी। यहाँ पर तीसरा सेट हमारा 50 क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है, ऑप्शंस क्या है, मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, पुस्तक क्या है, टाइगर ऑफ दास, राजेश तलवार, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। देख लेते हैं एक बार, टाइगर ऑफ दास किसने लिखा है, मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, राजेश तलवार की है, और क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है, गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, हाबी हब योजना दिल्ली या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। गौ अभ्यारण्य योजना कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है, हिम प्रहरी योजना कहाँ की है, उत्तराखंड की है, हाबी हब योजना कहाँ की है, दिल्ली की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, विनय मोहन क्वात्रा, भारत के नए विदेश सचिव, डॉक्टर मनोज सोनी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, हर्षवर्धन श्रृंगला, G20 के मुख्य समन्वयक या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी,
लेकिन ये अलग अलग आपको याद रखना है। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। G20 के मुख्य समन्वयक कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, G20 के मुख्य समन्वयक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऋण योजना कैदियों के लिए किसने शुरू की है? महाराष्ट्र। और कितना ऋण ले सकते हैं? 50,000 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या पाकिस्तान? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। आर्थिक संकट की वजह से क्या लगाना पड़ा? सार्वजनिक आपातकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। मतुआ धर्म महामेला 2022 कहाँ लगाया गया? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपये भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाएं देंगे, रुपये भुगतान प्रणाली जो कि भारत की है उसका, और अन्य कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया? अमेरिका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड या फ्रांस? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मानव रक्त है उसमें माइक्रोप्लास्टिक के नामक छोटे प्लास्टिक कणों का पता लगाया है नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें, उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, आंध्र प्रदेश फलों का उत्पादक राज्य बन गया है। कथन एक सही है, कथन दो सही है या दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन गलत हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हैं। सब्जियों में शीर्ष कौन है इस समय? शीर्ष पर उत्तर प्रदेश, और फलों में कौन है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज़? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई हैं? ऑप्शन से नाजिया हसन, मरियम खातून, साजिया प्रवीण या अरूज आफ्ताब? किस गाने के लिए? मोहब्बत गाने के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रैमी अवार्ड। और ये कौन, इनका नाम क्या है? नाजिया हसन को मिला है। पाकिस्तान की पहली महिला बनी है ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? पणजी, गांधीनगर, इंदौर या सूरत? तो पहली स्टील स्लैग सड़क कहाँ बन रही है? सूरत में। कहाँ पड़ता है? गुजरात। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन हमसफर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन उपलब्ध, जो टिकटों की कालाबाजारी करते थे उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, नागरिक संपर्क योजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, उड़ान योजना 3.0? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। किसने शुरू की है ये? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और अप्रैल 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या पटना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। जो कोरोना का नया वेरियंट है उसको नाम दिया गया है XE, उसकी पुष्टि कहाँ की गई है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। 9 से 12वीं तक की कक्षा में हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तकों में गीता सार का पाठ्यक्रम कहाँ पर शामिल होगा? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8-10 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई है?
जयनगर से कुर्था, रक्सौल से कुर्था, पटना से काठमांडू, वाराणसी से काठमांडू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयनगर से कुर्था। भारत और नेपाल के बीच कितने सालों बाद, 8 साल बाद रेल सेवा फिर से शुरू की गई है, जयनगर से कुर्था। अगला क्वेश्चन, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो कौन सा पुरस्कार है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन, DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, पोखरण राजस्थान, चांदीपुर उड़ीसा, बालासोर उड़ीसा, बीकानेर राजस्थान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोखरण राजस्थान। कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम क्या है, हेलिना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घड़ों की खोज की गई है, नागालैंड, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। महापाषाणकालीन पत्थर के जार घड़ों की खोज की गई है और किस प्लेस पर, अरुणाचल प्रदेश के दीमा हसाओ जिले में। अगला क्वेश्चन, 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया, भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 64वें ग्रैमी अवार्ड कहाँ आयोजित किए गए, लास वेगास अमेरिका, भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को किसके लिए मिला, एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए, और सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू हैं इनको किसके लिए मिला है, अ कलरफुल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश का दुनिया का पहला देश बन गया है, इक्वाडोर, ब्राजील, पेरू, मलेशिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वाडोर, जानवरों को कानूनी अधिकार, इक्वाडोर। हाल ही में टी20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, रोहित शर्मा, KL राहुल, महेंद्र सिंह धोनी, श्रेयस अय्यर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा, टी20 क्रिकेट में 10,000 रन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले कौन थे, विराट कोहली पहले नंबर पे। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया, जमशेदपुर झारखंड, रायपुर छत्तीसगढ़, सूरत गुजरात या पुणे महाराष्ट्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर झारखंड। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ पर किया गया, जमशेदपुर झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया के सबसे बेस्ट हवाई अड्डा घोषित किया गया है, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिकागो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है ये बताना है, सत्यपाल मलिक, ए एस दुल्लत, अनिल बैजल, विनोद कुमार सक्सेना, अमित शाह, सत्यपाल मलिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सत्यपाल मलिक और AS दुल्लत, यानी 2021 का किसे मिला, सत्यपाल मलिक को, और 2020 का AS दुल्लत। अगला क्वेश्चन, 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। 83 नंबर की थी राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, कहाँ पर की गया आयोजन, मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया, वाशिंगटन DC, दिल्ली, न्यूयॉर्क या मुंबई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाशिंगटन DC में।
भारत और अमेरिका के बीच 2+2 संवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादावेट में किया गया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू या राजनाथ सिंह? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमित शाह के द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में केरल, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर वन हेल्थ फ्रेमवर्क किसने शुरू किया है, उत्तराखंड ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन की कम लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? रूस, अमेरिका, कनाडा या यूक्रेन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा, ऑप्शन सी। और इनकी कौन सी शीर्षक वाली तस्वीर है, कम लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। अगला क्वेश्चन, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, एकता विष्ट, स्मृति मंधाना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिथाली राज। और इन्होंने भी संन्यास ले लिया है सभी प्रारूपों से, इन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप खेला है और ये ऐसी पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? रूस, ईरान, यूक्रेन या चीन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूस किस सरमत मिसाइल किसकी है, रूस की है। अगला क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? सिंकुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा या बनिहाल दर्रा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंकुला दर्रा। अगला क्वेश्चन, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया है, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? अजय कुमार सूद, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, कृष्णन रामानुजम, नैसकॉम के अध्यक्ष? उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। याद रखना है सारे, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है इस समय, अजय कुमार सूद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इकबाल सिंह लालपुरा, नैसकॉम के अध्यक्ष, कृष्णन रामानुजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3,00,000 रुपये तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या थी 2022 के लिए? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, जीरो मलेरिया, ड्रा द लाइन अगेंस्ट मलेरिया, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, इंड मलेरिया, इंड डिजीज? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या थी, जो कि मनाया कब जाता है, 25 अप्रैल, मलेरिया दिवस का मनाया जाता है 25 अप्रैल, इसकी थीम क्या थी इस बार, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला, IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ, भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है, उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब सोचो कि IISc जो बेंगलुरु है उसको 155वां स्थान मिला है किसमें, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ ये रैंकिंग निकालती है और ये भारत में प्रथम नंबर पे है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NHDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता हुआ है? चेन्नई, मुंबई, भुवनेश्वर, नई दिल्ली? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन, पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने जीता है, तमिलनाडु, नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, पोइला बैशाख बांग्लादेश या उपयुक्त सभी। तो फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में, सही लिखा है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा और पोइला बैशाख बांग्लादेश, तीनों क्या है? सही है, तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, तो ये सही है। सरदार बर्डी मुखामुदेव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, ये भी सही है। रानिल विक्रम सिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रानिल विक्रम सिंघे, ये नाम याद रखना है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सारे के सारे। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, सरदार बर्डी मुखामुदेव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, और ये जरूर याद रखना है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रम सिंघे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मैलकम और एलिजाबेथ आदि सेदिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाला मैलकम आदिसेदिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? प्रभात पटनायक, शशि थरूर, रजनीश कुमार, अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभात पटनायक। किसको चुना गया है? मैलकम आदिसेदिया पुरस्कार 2022 के लिए प्रभात पटनायक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। अगला क्वेश्चन, 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मंगोलिया के उलानबटोर में किया गया, भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ, या उपर्युक्त सभी। तो जो 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई, इसमें कहाँ किया गया था? मंगोलिया उलानबटोर, एकदम सही है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, ये भी सही है, और 5वीं रैंकिंग थी भारत की, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम, गांधीनगर, अहमदाबाद, बीकानेर या पुणे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर, गुजरात। तो ये सेट कंप्लीट होता है, अब देखते हैं अगले सेट को, पहला क्वेश्चन क्या है उसका। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? शुक्र, मंगल, चंद्रमा या बृहस्पति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा। जो नासा का आर्टेमिस 1 मिशन है, किससे संबंधित है? चंद्रमा से। अगला क्वेश्चन, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, बिहारी लैंग्वेज, कल्चर ऑफ बिहार, फोक टेल्स ऑफ बिहार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ऑप्शन नंबर ए। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? अन एकेडमी, बायजूज, DLF या टाटा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसको स्पॉन्सरशिप मिली है, किस भारतीय कंपनी को? बायजूज को मिली है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैट बॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या गुजरात। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या बनाया है इसने? व्हाट्सएप चैटबॉट, जिसका नाम क्या दिया है? माया। अगला क्वेश्चन, पोलर साइंस एंड क्राइसोस्फीयर रिसर्च, जिसका संक्षिप्त रूप क्या है? पेसर। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021-26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है, यह किस मंत्रालय की योजना है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पेसर योजना है किसकी है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। फुल फॉर्म क्या है इसकी? पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की? ऑप्शंस क्या है? तेजस, युवा, सार्थक या प्रयास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेजस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94वें अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोटा को दिया गया,
बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया, या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जो 94th नंबर के अकादमी पुरस्कार हैं, इसमें बेस्ट फिल्म कौन है, कोडा, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ और बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन। अकादमी पुरस्कारों को क्या बोलते हैं, ऑस्कर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की तीन मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया, PV सिंधु, मिथाली राज, मीराबाई चानू या मैरी कॉम? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन किसको दिया गया है, ये मीराबाई चानू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मीराबाई चानू इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार पर हस्ताक्षर किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला इस्त्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, कुफरी या शिमला? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति ये हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर स्नो मैराथन यानी कि बर्फ पर दौड़ना। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री कौन है, मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों के दर्शन कर सकता है? ऑप्शन है टेम्पल वारा, टेम्पल 360, टेम्पल एनी टाइम, टेम्पल इन्फो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेम्पल 360। किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने, किसके लिए, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, श्वेता मिश्रा, स्वाति चौधरी, रश्मि कुमारी, आरिफा जौहरी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आरिफा जौहरी। किसको दिया है, चमेली देवी जैन पुरस्कार मीडिया के लिए दिया जाता है, आरिफा जौहरी को मिला है। अगला क्वेश्चन, और केवल महिलाओं को दिया जाता है ये, नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया है, साक्षी, स्नेह, मैत्री, मित्रा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या नाम दिया गया है, मैत्री। जो नया ट्यूलिप है उसको नाम क्या दिया गया है, मैत्री। अगला क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा, रामदर्श मिश्रा, सुशांत कुमार, चंद्रनाथ कुमार, प्रमोद कुमार? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामदर्श मिश्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इनका कविता संग्रह क्या है, मैं तो यहाँ हूँ। अगला क्वेश्चन, बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की गई है, किस राज्य ने शुरुआत की है, कौन सी योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति? ऑप्शन क्या है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकहोल में सैन्य अभ्यास खंजर का नवा संस्करण आयोजित किया गया, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खंजर भारत और किसके साथ किया गया है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किर्गिस्तान, ऑप्शन सी, खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है, ब्रिक्स, G20, सार्क या बिम्सटेक? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिक्स, वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र, किसके द्वारा, ब्रिक्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम क्या दिया गया है, कदम। ऑप्शन क्या है, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT मद्रास या IIT मुंबई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या दिया गया है, GH1, HD1, GM1 या TR1? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या नाम दिया गया है, HD1, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मुंबई, हैदराबाद, सूरत या ए और बी दोनों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, मुंबई और हैदराबाद दोनों को दिया गया है 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदन, अभिमन्यु मिश्रा, सौरभ कुमार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर प्रज्ञानानंद, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, रेक्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज़ में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? कोलकाता, इंदौर, नासिक, बेंगलुरु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज़ में कौन शामिल हुआ है, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों को 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट किसने शुरू किया है, दक्षिण मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, यानी जलमार्ग सम्मेलन जो कि 2022 में हुआ ये कहां पर हुआ है, सूरत, पणजी, कोचीन या डिब्रूगढ़? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिब्रूगढ़, असम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मेगी से प्रभावित हुआ? फिलीपींस, श्रीलंका, मेडागास्कर या साइप्रस? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा प्रभावित हुआ है मेगी तूफान से, फिलीपींस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? स्पेन, नीदरलैंड, पुर्तगाल या डेनमार्क? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीदरलैंड। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता, नीदरलैंड ने। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बिहार? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण कहां हुआ है, गुजरात में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में किया गया है पहली बार फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी, किस राज्य में किया गया है, असम में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन दोनों दो शहरों में किया जाएगा? भुवनेश्वर राउरकेला, हैदराबाद सिकंदराबाद, मुंबई पुणे, वाराणसी लखनऊ? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर और राउरकेला, ऑप्शन ए। 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, अभी क्वेश्चन क्या आया था, FIH 2022 की महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता था, नीदरलैंड ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है, ये कहां पर है, बिहार में है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय? तो उत्सव पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ये किया है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड या फ्रांस? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का आयोजन किस देश में किया गया, सिंगापुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब, क्योंकि मुफ्त बिजली कौन दे रही है, आप गवर्नमेंट, और आप गवर्नमेंट हाल ही में कहाँ बनी है, पंजाब में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली
लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा कहाँ पर? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? नीदरलैंड, डेनमार्क, स्पेन या इटली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। इनविक्टस गेम 2022 कहाँ पर हुए हैं? नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो टी इलेक्ट्रिक कंपनी है इसके द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तेलंगाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थ्री व्हीलर फैक्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री किस कंपनी के द्वारा? टी इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा। कहाँ स्थापित की जाएगी? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? सेव अवर अर्थ, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, ऑप्शन सी। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, डे आपको बताना है। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? डेनमार्क, बांग्लादेश, नेपाल, भारत। तो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 ये किस देश में आयोजन हुआ इसका? भारत, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? 200, 300, 400 या 500। तो कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 400 रुपए का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के सातवें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या है? उर्सुला वान डेर लेन, मोहम्मद नसीद, अब्दुल्ला साहिद या एंथनी एबॉट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उर्सुला वान डेर लेन, ऑप्शन ए। जो कि रायसीना डायलॉग हुआ था 2022 का, इसका सातवां संस्करण, ये कौन थे? इसके आयोग के अध्यक्ष थे और मुख्य अतिथि। अगला क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या पुडुचेरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पल्ली पंचायत कहाँ है? यह है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील या उरुग्वे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि चिली। किसके लिए? दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने चिली के साथ। अगला क्वेश्चन। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वार जल विद्युत परियोजना, चिनाब, सिंधु, झेलम, रावी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब। और कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और किस जिले में? किश्तवाड़ जिला। अगला क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? उड़ीसा, केरल, गोवा, कर्नाटक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? केरल ने। तो संतोष ट्रॉफी 2022 के विनर कौन हो जाएंगे? केरल। अगला क्वेश्चन। सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब, FICN, अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ऑपरेशन तहकीकात, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन सार्थक, ऑपरेशन प्रहार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सतर्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस क्या है? 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसनजवेक को दिया गया है, ये एकदम सही लिखा है। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थेलास्टेड को प्रदान किया गया था, ये भी सही है। 2022 का तो बिल्कुल याद रखना है, किसको मिला है? सिंथिया रोसनजवेक को। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था, ये भी एकदम सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है?
वाराणसी, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ है, वाराणसी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल, सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी उपर्युक्त सभी। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर, त्रिशूर पूरम केरल और सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर। तो ये पाँचवा सेट हमारा कंप्लीट हुआ है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेट पर। टोटल 500 क्वेश्चन करवाने हैं जिसमें से हम लोग 250 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, यूके, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चेक रिपब्लिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखी गई है, वुमेन्स लीडरशिप, अचीविंग अ कॉमन फ्यूचर इन द वर्ल्ड ऑफ कोविड-19, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग द फॉर द फ्यूचर, वुमेन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है 2022 के लिए, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है, यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या केरल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात, ऑप्शन ए, एक मिनट, ऑप्शन ए। क्या चीज़ स्थापित करना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर, गुजरात में, और किसके तहत, आयुष मंत्रालय के तहत। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है, सूरत, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है कहाँ पर, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, नई दिल्ली। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर ओपन किया गया है, मुंबई में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डोनेट ए पेंशन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू की है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार बनाए गए हैं, FATF का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, कैटलिन नोवाक, हंगरी की, क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी इसलिए इंपॉर्टेंट है, कैटलिन नोवाक हंगरी की। अगला क्वेश्चन, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया, पूर्व रेलवे जोन, पूर्वोत्तर रेलवे जोन, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन या उत्तरी रेलवे जोन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी रेलवे जोन। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल किसने शुरू किया है, पूर्वी रेलवे जोन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है। तो समर्थ जो है ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, नागपुर, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभव एवं स्वावलंबन पहल, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, MSME जिसको बोलते हैं, MSME। कौन सी पहल है, संभव और स्वावलंबन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
की गई प्रारंभ योजनाएं, जो प्रारंभ की गई योजनाएं हैं उनमें से कौन सुमेलित है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, अम्मा और बहनी योजना सिक्किम, या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। मातृशक्ति उद्यमिता हरियाणा की है, कौशल्या मातृत्व छत्तीसगढ़ की है, अम्मा और बहनी सिक्किम की है। ठीक है, मातृशक्ति उद्यमिता हरियाणा, कौशल्या मातृत्व छत्तीसगढ़, तीनों अलग अलग याद रखनी है, अम्मा और बहनी सिक्किम, क्योंकि वहाँ पर सिंगल क्वेश्चन भी मिल सकता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झरोखा दर्शन इसका नाम दिया गया है, और किस मंत्रालय का है ये? शिक्षा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, बी और सी दोनों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी और सी दोनों, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये भी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रहती है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, 2020 में भी आंध्र प्रदेश को ही मिला था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वोमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कौन सा कार्यक्रम? वोमेन एट वर्क। अगला क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का प्रारंभ किया है? तो इसमें शामिल कौन कौन है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव में? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, और किस संस्था के सहयोग के साथ, ये बताना है। यूनिसेफ, यूनेस्को, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर, पुणे, इंदौर, बीकानेर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ? MP। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा, जिसकी अर्थव्यवस्था कितनी हो जाएगी? $1 ट्रिलियन। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? हैदराबाद, इंदौर, पुणे या पुरी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। इंद्रायणी मेडी सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? पुणे में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद, इंदौर, लखनऊ, वाराणसी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद, ऑप्शन ए, 11वें खेल महाकुंभ 2022। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? फसल विविधीकरण सूचकांक, इसका उपयोग कौन सा राज्य कर रहा है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना, फसल विविधीकरण सूचकांक, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है, कौन सा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बाल बजट पहली बार किसने पेश किया है? मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुषमा स्वराज पुरस्कार कौन देगा? हरियाणा देगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ पर बनाई जा रही है? बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे लॉन्च किया गया है? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, RBI, SBI? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? RBI, ऑप्शन सी। क्या लॉन्च किया गया है? UPI 123 पे। अगला क्वेश्चन, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव, जिसका नाम क्या है? साहित्योत्सव, का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाता, वाराणसी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नाम क्या है? साहित्योत्सव, किसके द्वारा? साहित्य अकादमी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट वेस्ड कोविड 19 वैक्सीन, जिसका नाम क्या है, कोविशील्ड, के उपयोग को मंजूरी दे दी है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कोविशील्ड के उपयोग की मंजूरी किसने दी है, कनाडा ने, और ये कैसी है, प्लांट वेस्ड। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया गया, वाराणसी, नई दिल्ली, लखनऊ, उज्जैन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा NIMHANS संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि स्त्री मनोरक्षा परियोजना किस मंत्रालय ने शुरू की है, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वायु शक्ति अभ्यास कहाँ पर किया गया है, ये राजस्थान। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग, पुणे, भोपाल, आगरा, बीकानेर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। अगला क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? अमेरिका, चीन, रूस, भारत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी कहाँ पर है, भारत में। कौन सी रिपोर्ट, द वेल्थ रिपोर्ट 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सेनवार का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेनवार का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या दिया गया है, रक्षक, कवच, सुरक्षा, शक्ति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कवच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 35 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा मतलब दो ट्रेन अगर आमने सामने से आ गई एक ही पटरी पर तो टकराए ना, उसके लिए बनाई गई है प्रणाली, इसका नाम क्या दिया गया है, कवच। अगला क्वेश्चन, रिकवरी की स्पेसिसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन थीम के साथ किसी तिथि को वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? तो यहाँ पर मेन क्या है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 2 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च या 6 मार्च? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 मार्च। और इस बार की थीम क्या थी, रिकवरी की स्पेसिसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन, 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 के लिए किस देश में आयोजित होंगे, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम। दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 वियतनाम में आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां शुरू किया गया है, नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला या भोपाल? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि इसमें भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया, एकदम सही है। भारत ने कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक अपने नाम किया, ये भी सही है। तो कितने स्वर्ण हैं, 4, 2 रजत हैं 1 कांस्य, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आयोजन कहाँ हुआ, मिस्र के काहिरा में। शीर्ष पर कौन रहा, भारत। पदक कितने मिले, 7, जिसमें से 4 स्वर्ण 2 सिल्वर और 1 कांस्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है, नई दिल्ली, नैरोबी, अंगोला, मिस्र? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नैरोबी, 5वीं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव। अगला क्वेश्चन, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, ऑप्शन ए। सागर परिक्रमा कहाँ से शुरू की गई? गुजरात से। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ढाका, दिल्ली, सिंगापुर, कोलंबो। आप तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ढाका, ऑप्शन ए। किसके लिए? स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 हुआ है, जो कि हो चुका है, कहाँ पर आयोजित किया गया था? न्यूजीलैंड। और जीती कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया। फाइनल कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई? जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा, अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई, पुणे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई ने शुरू की है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान, श्रीलंका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। सिलिनेक्स इसके बीच होता है श्रीलंका और इंडिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रमुख पुस्तकें जो प्रकाशित हुई हैं और उनके लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? कैप्टन दीपम चटर्जी, द मिलेनियल योगी, मिथिलेश तिवारी, उड़ान एक मजदूर बच्चे की सृष्टि जहां, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, या उपर्युक्त सभी। तो यहां पर द मिलेनियल योगी ये किसकी है? कैप्टन दीपम चटर्जी एकदम सही है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, सृष्टि झा, यानी उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे। तीनों अलग अलग याद रखनी है आप लोगों को। द मिलेनियल योगी कैप्टन दीपम चटर्जी की है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी की है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, सृष्टि झा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाली विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत, सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सेंट्रल अमेरिका, सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सेंट्रल जापान, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, लंदन, पेरिस, रोम, बार्सिलोना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बार्सिलोना, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? उस्ताद अमजद अली खान, राजीव रंजन, सोनू निगम, लता मंगेशकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? उस्ताद अमजद अली खान। तो हम लोगों का ये सेट कंप्लीट होता है यहीं पर। देखते हैं अगला सेट का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, या उड़ीसा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना है? फ्री स्मार्ट योजना। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है? चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर रहा, ये भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। पहला स्थान किसको मिला? केरल, नीचे से दूसरा बिहार, और कौन जारी करता है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा? नासा, इसरो, जाक्सा, या स्पेस एक्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नासा। साइके मिशन कौन लॉन्च कर रहा है? नासा, यूएस एक ये कंपनी है क्षुद्र ग्रह साइके के लिए। अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, या गुजरात। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विजय हजारे ट्रॉफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने जीता है इस बार? हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में
संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संकल्प स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? चीन, फ्रांस, रूस, जापान। पहले क्वेश्चन हो चुका है ये, डुअल मोड वाहन जापान के द्वारा, जो कि सड़क और रेल दोनों पे चलेगा। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेघा मजूमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया। हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी तीनों सही हैं। मेघा मजूमदार के लिए किसको मिला, आ बर्निंग के लिए, और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को दिया गया है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, और सम्राट अशोक नाटक के लिए हिंदी के लिए किसे दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई? प्रगति अभियान, स्वच्छ धारा अभियान, समाज सुधार अभियान, आदर्श बिहार अभियान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समाज सुधार अभियान, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका आयोजन ढाका में किया गया, इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा, फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुआ था, ढाका बांग्लादेश में, और विजेता भी कौन सा रहा, बांग्लादेश, और हराया किसको फाइनल में, भारत को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत दर्शन पार्क, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की कितनी हिस्सेदारी है? 2.5%, 2.7%, 3.0%, 3.5%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2.5%, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एशिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय सेना या नीति आयोग? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय सेना के द्वारा। कौन सा ऐप, एशिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप, सिक्योरिटी के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? अनुपम रे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष, संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? प्रेम शंकर झा, रूपेश गोयल, दानिश सिद्दीकी, अजय शर्मा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दानिश सिद्दीकी। ये अफगानिस्तान में जब इसका जो भी अटैक हुआ था तालिबानियों का, उस टाइम वहाँ पर ये क्या कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है, रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, दानिश सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? जो सुशासन सूचकांक, ये भी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, बड़े राज्यों में पहले नंबर पर कौन रहा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, इम्पॉर्टेंट बुक है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 किसने लिखा है? शांतनु गुप्ता, मृदुला रमेश, संजू वर्मा, राहुल रवेल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संजू वर्मा, 16 का सी। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा TAPAS ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा पोर्टल, TAPAS, शिक्षा मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा पोर्टल है, तापस, TAPAS, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? वी प्रवीण राव, विद्युत मोहन, विरल देसाई, रणदीप गुलेरिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विरल देसाई को दिया गया है ये कौन सा पुरस्कार? वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? मिस्र, नाइजीरिया, इसराइल, ईरान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र शामिल हुआ है किसमें? न्यू डेवलपमेंट बैंक में। अगला क्वेश्चन, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस बार किसे दिया गया है? आलिया भट्ट को। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने COVID-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की गई है? कार्बीवैक्स, कोवोवैक्स, क्रोनोवैक्स, ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा बी दोनों, कार्बोवैक्स और कोवोवैक्स। अगला क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है? संदेश, स्वदेश, सत्यार्थ या अमृत। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेश, ऑप्शन बी। किसके लिए? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस हेतु। कौन सी परियोजना? स्वदेश परियोजना। अगला क्वेश्चन, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय, ऑप्शन सी। कौन सी रिपोर्ट? हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? इसरो, नासा, CNES या जाक्सा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नासा। सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप, नाम क्या है? जेम्स वेब, और है क्या ये अंतरिक्ष टेलीस्कोप? किसने लॉन्च किया है? नासा ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? रेणुका जी बांध परियोजना, लुहरी स्टेज वन हाइड्रो पावर परियोजना, सावरा कुडू जल विद्युत परियोजना या इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो ये तीनों उसमें शामिल हैं, रेणुका जी बांध परियोजना, लुहरी स्टेज वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सावरा कुड्डू, क्योंकि तीनों कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? 75, 100, 125 या 150। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितने बनाए जाएंगे? 100, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने लॉन्च किया है? हरियाणा ने, कौशल रोजगार निगम पोर्टल हरियाणा, कौशल रोजगार निगम पोर्टल हरियाणा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो अंडर-19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? विनीत कुमार गोयल, विजय पाल शर्मा, विनय कुमार त्रिपाठी या VS पठानिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन है इस समय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO? विनय कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं एक बार, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, इटली, मैक्सिको, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने, महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीप का नाम रखेंगे ये, तो कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? चीन, कनाडा, अमेरिका, जापान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीन, ऑप्शन ए। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन चीन में। अगला क्वेश्चन, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस शहर, किस देश द्वारा की जाएगी? जर्मनी, जापान, कनाडा, भारत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2022 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश करेगा? जर्मनी। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निशी वासुदेव, अलका मित्तल, निकिता सोकत, सोमा मंडल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको नियुक्त किया गया है, अलका मित्तल को, ONGC की पहली महिला। ठीक है, ये महारत्न कंपनी है और जब पहली महिला कोई बनती है तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ONGC की पहली महिला कौन बनी है, अलका मित्तल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन है? मॉरीशस, सिंगापुर, चीन, USA। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ से आया है FDI के मामले में, सिंगापुर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में COVID-19 के एक नए वेरियंट B16402 या IHU की पहचान की गई है? भारत, फ्रांस, ब्राज़ील, अमेरिका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये नया वेरिएंट कहाँ पर मिला था, B16402 फ्रांस से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? केरल हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, केरल हाई कोर्ट पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बना है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? यूनाइट पीस, यूनाइट प्रॉस्परस, यूनाइट अवेयर या यूनाइट वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से भारत ने शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए कौन सा लॉन्च किया है, यहाँ पर यूनाइट अवेयर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़, जोधपुर, मुंबई या हैदराबाद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई प्रशासन को लेकर कहाँ पर ये आयोजन हुआ है, हैदराबाद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव पटना, नई दिल्ली, जयपुर, पुडुचेरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुडुचेरी, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय युवा महोत्सव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, दिल्ली में। वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद का आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन, अतुल कश्यप, TS तिरुमूर्ति, मेरोन ब्रिलियंट या नागेंद्र राव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, TS तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। किसके लिए, सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष, TS तिरुमूर्ति। अगला क्वेश्चन, कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीन दम मंजपई योजना की शुरुआत की है? कौन सी योजना है, मीन दम मंजपई योजना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। और ये किस लिए चलाई गई है, कपड़े के थैले का उपयोग किया जाए किसकी जगह, जो ये पन्नियाँ आती हैं तो जो प्लास्टिक की होती हैं इनकी जगह पर क्या यूज किया जाए, कपड़े के थैले। और योजना का नाम क्या है, मीन दम मंजपई योजना, किसके और किस सरकार की है, तमिलनाडु सरकार। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, मलेशिया, ईरान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपदा प्रबंधन के सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तुर्कमेनिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले ओपन राख संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन राख संग्रहालय, पुणे, वाराणसी, सूरत, हैदराबाद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन राख संग्रहालय, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस सौ दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया? सब पढ़े सब बढ़े, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़े भारत या शिक्षित भारत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस पठन अभियान का शुरुआत किया है और कितने दिवसीय है, 100 दिवसीय, नाम क्या है, पढ़े भारत। किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, पढ़े भारत, 100 दिवसीय पठन अभियान। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? स्मृति मंधाना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, सैफाली वर्मा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको नामित किया गया है, स्मृति मंधाना।
2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? कानपुर, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ, ऑप्शन बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपी का है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? प्रीत चंडी, प्रियंका राधाकृष्णन, रूबी धल्ला या अनिता आनंद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन पहुंची है दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली अश्वेत महिला बनी है? प्रीत चंडी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये सेट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगले सेट पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शंस क्या हैं? संजय कपूर, दोरजे आंगचुक, अपूर्व चंद्र, किरण मजूमदार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर को क्या हो जाएगा? दोरजे आंगचुक, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय दोरजे आंगचुक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, एम विश्वेश्वरैया या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो क्या बनाया गया है? पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु में। नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन क्या है? डॉक्टर वैकुटम अय्यर लक्ष्मणन, नवजीत सिंह ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट या उपर्युक्त सभी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, तीनों को मिला है ऑर्डर ऑफ कनाडा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस क्या हैं? उड़ीसा, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी जो कि 18+ है को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। एलपीजी युक्त धुआं मुक्त कौन सा राज्य बना था? वो भी कहा था हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? ऑप्शंस, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना, जनजातीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना, किसानों की आय को दोगुना करना, जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना, यानी 7 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? झांसी, नागपुर, ग्वालियर या इंदौर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ड्रोन मेले का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? दुबई सरकार, अबू धाबी सरकार, सऊदी अरब सरकार या इजराइल सरकार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुबई सरकार, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहली 100% पेपरलेस गवर्नमेंट कौन बनी है? दुबई गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? मशीन का नाम क्या है? सार्को, और यह है क्या? ये सुसाइड मशीन है। किस देश ने मंजूरी दी है? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क या स्वीडन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड ने दिया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? INS राजपूत, INS कंजरी, INS कलवरी या INS खांडेरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसको सेवा मुक्त किया गया है? INS राजपूत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? अदामा बैरो, गाम्बिया के राष्ट्रपति,
ओलाफ स्कूल जर्मनी के चांसलर, कैथरीन रशियल यूनिसेफ के प्रमुख, गीता गोपीनाथ आईएमएफ के प्रमुख। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गीता गोपीनाथ गलत मैच है, आईएमएफ के प्रमुख। अगला क्वेश्चन, ये आईएमएफ के प्रमुख नहीं है। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो मिथिला मखाना, मिथिला कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, बिहार, ऑप्शन ए। और क्या पूछा जाएगा, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, वो भी बिहार की है। अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन हर साल पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है, इस बार किसको चुना गया है, जेफ बेजोस, एलन मस्क, जो बिडन, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको चुना गया है 2021 के लिए, एलन मस्क, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 और हो सकता है पूछ लिया जाए। ऑप्शंस क्या हैं, बालकृष्ण दोषी, बिमल पटेल, हमद हाफिज, राहुल मल्होत्रा। तो ये किसको मिला है, बालकृष्ण दोषी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया है, और 2021 का 57वां था, और एक इसको दिया गया है दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। ऑप्शंस क्या हैं, केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही हैं, या दोनों कथन गलत हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है। 20 और 21 दोनों याद रखना, क्योंकि अभी 21 का ही दिया गया है, नीलमणि फुकन 20 और दामोदर मौजो 21। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का कितना हिस्सा था, 1%, 1.4%, 1.5% या 1.7%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितना था, 1.4%। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस जिमनास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शंस सिमोन बाइल्स, ओक्साना अलेक्जेंड्रोवना, ओल्गा कोरबूत, स्वेतलाना खोरकिना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको दिया गया है, सिमोन बाइल्स को। किसके द्वारा, ये जिमनास्ट खिलाड़ी हैं, और सम्मानित किसके द्वारा किया गया है, टाइम पत्रिका द्वारा, सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार, सिमोन बाइल्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DSTICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या है, आनंद कुमार, नीना गुप्ता, मीरा टंडन, अरविंद कुमार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीना गुप्ता को दिया गया, बस इतना याद कर लेना, रामानुजन पुरस्कार 2021। अगला क्वेश्चन, दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर पाँचवीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया है, उनका संबंध किस देश से है, यानी कि जो मैग्नस कार्लसन है दुबई में आयोजित फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप पांचवी बार जीती है, और ये किस देश से बिलोंग करते हैं, नॉर्वे, जर्मनी, रूस या इटली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, या उत्तराखंड में, इसको क्या घोषित किया गया है, इको सेंसिटिव जोन। अगला क्वेश्चन, सातवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, पणजी, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पणजी में किया गया, सातवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, पणजी। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ 600,000 से अधिक AK-203 असाल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, रूस, फ्रांस, अमेरिका या इजराइल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी ओर 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनल मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता, महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटे ललास ने यह पुरस्कार जीता, केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही हैं, या दोनों कथन गलत हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2021 में बैलन डी ओर अवार्ड
ये लियोनल मेसी को दिया गया है पुरुषों में, और महिलाओं में एलेक्सिया पुटेलालास को दिया गया है। लियोनल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के, और एलेक्सिया पुटेलालास कहाँ की हैं? बार्सिलोना की। अगला क्वेश्चन, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया जिसका नाम है स्वदेश, पृथ्वी, संदेश या रुद्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है, इसका नाम क्या दिया गया है? रुद्र। अगला क्वेश्चन, कोलकाता में रक्षा मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत चार जहाजों में से पहला लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? सिद्धार्थ, संध्यांक, सार्थक या संदर्भ। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या नाम दिया गया है इसका? संध्यांक। भारतीय नौसेना के लिए जो सर्वेक्षण पोत बनाए जा रहे हैं इनमें से चार जहाजों में से एक लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? संध्यांक। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? निगम कर, माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। अब सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शंस 1, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 4। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अवरोही मतलब पहले सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? माल और सेवा कर। फिर आता है निगम कर से पैसा, फिर आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, फिर आता है सीमा शुल्क से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेल जी खोरलो से सम्मानित किया गया है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ का पुरस्कार है? भूटान का। तो याद रखना, नगदक पेल जी खोरलो पुरस्कार कहाँ का है? भूटान का है। अगला क्वेश्चन, निम्न दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? मोहित जैन, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष, प्रदीप कुमार रावत, चीन में भारत के नए राजदूत, कार्ल नेहमर, ऑस्ट्रिया के चांसलर, गैब्रियल बोरिक, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर की सभी नियुक्तियाँ क्या हैं? सही हैं। यानी मोहित जैन क्या बनाए गए हैं? भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष, प्रदीप कुमार रावत चीन के नए राजदूत हैं, कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, और गैब्रियल बोरिक ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर, मीडिएशन सेंटर कहाँ पर? तेलंगाना में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 52वां, 56वां, 63वां या 66वां। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 66वां। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में किस नंबर पर रहा है? 66वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? नूर सुल्तान कजाकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान, रियाद सऊदी अरब या अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 ये कहाँ आयोजित की गई? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। कौन सी? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नीना गुप्ता, अलका उपाध्याय, दिव्या हेगड़े, अनीता देसाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिव्या हेगड़े। किसके लिए? भारतीय जलवायु कार्यकर्ता हैं ये, और इनको पुरस्कार कौन सा दिया गया? संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 0.11%, 0.12%, 0.13%, 0.15%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.15%। जो मैंग्रोव वन है, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन के डेल्टा में, ये कितने हैं? 0.15%। अगला क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? दिल्ली पुलिस, केरल पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या पंजाब पुलिस। तो अभय परियोजना की शुरुआत किस पुलिस ने की है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी
भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? ताशकंद, नई दिल्ली, बिश्केक या दुशांबे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ऑप्शन सी। भारत की तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता। अगला क्वेश्चन, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान को दिया गया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? किदांबी श्रीकांत, अश्विनी पोनप्पा, परुपल्ली कश्यप या नंदू नाटेकर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किदांबी श्रीकांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में किदांबी श्रीकांत ने क्या जीता? रजत पदक। अगला क्वेश्चन, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कृषि उड़ान योजना 2.0 का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? ई कुशल, ई किसान, ई संबल या ई फसल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई कुशल। किसानों का जो अनाज है उसको किसके द्वारा हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा, इसका नाम क्या दिया गया है इस प्लेटफॉर्म का? ई कुशल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने घोषित किया है? पंजाब ने घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। एक वर्ष के लिए बनाया गया है, कहाँ पर? SCO में, संघाई सहयोग संगठन। किसके लिए? क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ान योजना किस राज्य की है? ये राजस्थान की है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? 4,000 करोड़ रुपये, 5,000 करोड़ रुपये, 6,000 करोड़ रुपये या 7,000 करोड़ रुपये? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6,000 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? डिजिटल मीडिया के लिए किसके साथ समझौता किया है? सिंगापुर, जर्मनी, वियतनाम या इंडोनेशिया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? संजीव मेहता, पराग अग्रवाल, विमल पटेल या गौतम राघवन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसको नियुक्त किया है जो बिडेन ने व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में? गौतम राघवन को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला पैराओलंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैराओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता? दीपा मलिक, अवनी लेखरा, भाविना पटेल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवनी लेखरा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? रविंद्र जडेजा, हरभजन सिंह, मोहित शर्मा, आर अश्विन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरभजन सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या हैं? गेल, सेल, IOCL, PGCIL? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसको दिया गया है? यह सेल को दिया गया है, गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 सेल को मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण सर्वाधिक वृद्धि हुई है? वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। तो ये हमारा 8वां सेट कम्प्लीट हुआ है और हमने 400 क्वेश्चन कम्प्लीट कर लिए हैं। अब अगले सेट पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन क्या है, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर USA रहा, पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ? केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी केवल कथन दो सही है, क्योंकि फर्स्ट रैंकिंग टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किसे मिली थी? चीन, चीन रहा था टॉप पे। टोक्यो पैरालंपिक और टोक्यो ओलंपिक दोनों के क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है, खासकर भारत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रश निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो हिम तेंदुआ को और काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी किसने बनाया है? लद्दाख ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? गीता पीरामल, राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अभिनव चंद्रचूड़, सोलो सोराबजी, लाइफ एंड टाइम्स, डॉक्टर तेहमटन एराज उड़वाड़िया, मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। गीता पीरामल की बुक का क्या नाम है? राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसकी है? अभिनव चंद्रचूड़ की है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन जो सी नंबर पे है, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी किसकी है? डॉक्टर तेहमटन एराज उड़वाड़िया की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? एकता बिष्ट, झूलन गोस्वामी, पूनम यादव, सबनीम इस्माइल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। कौन सा पार्क? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई में आयोजित किए जाएंगे फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022, कहाँ पर? चेन्नई। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा, ग्वालियर मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा, वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की थी? श्रीलंका ने, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? 136, 138, 135, 137। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 136। जो 2022 की रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 136। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? रुपिया बांदा, अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक, सुश्री कुमुदबेन जोशी, आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल यूजीन पार्कर, जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित पूछा गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो सुश्री कुमुदबेन जोशी थी, ये आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या हैं? माउंट सैडल, कालीघाट, माउंट हैरियट, माउंट उड। तो जो माउंट हैरियट चोटी है उसका नाम क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहां पर है, तो अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्यो के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? सत्यदेव आचार्य, अतुल सत्यार्थ, एम मुकुंदम या मनोज दास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम मुकुंदम। किस पुस्तक के लिए? दिल्ली ए सोलिलोक्यो। और कौन सा पुरस्कार? JCB साहित्य पुरस्कार। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि JCB पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, इस सूचकांक में भारत का 66वां स्थान था, केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन गलत हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हैं। जो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 था, भारत की रैंकिंग क्या थी? 66वें नंबर पे था, और पहले नंबर पे कौन था? USA। अगला क्वेश्चन, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया, अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। ऑप्शंस, केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, कथन
दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। जो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 ये कहाँ हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में, और इसको जीता किसने, अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल, ब्राजील। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से हैं, पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन हैं, बालकृष्ण मधुर, प्रभात कुमार, गौतम चिंतामणि, रचना विष्ट रावत। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है इसकी राइटर, रचना विष्ट रावत। बुक का नाम क्या है, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज। अगला क्वेश्चन, नौसेना के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया, कोचीन, मुंबई, विशाखापत्तनम या चेन्नई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई में। खादी से बने सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया है, नौसेना द्वारा, और कहाँ पर, मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस देवहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, होली, दीपावली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, दुर्गा पूजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई है, द रिवेंज, द चैलेंज, ग्रेविटी, द यूनिवर्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द चैलेंज। कहाँ शूट की गई है, अंतरिक्ष में, और किसके द्वारा, रूस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सेला सुरंग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई, जापान, चीन, अमेरिका, जर्मनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वचालित और चालक रहित ट्रेन जर्मनी ने शुरू की है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है, टाटा ग्रुप, स्पाइस जेट, इंडिगो, जेट एयरवेज। तो जो अभी नीलामी हुई थी एयर इंडिया की, इसको किसने खरीदा है, टाटा ग्रुप ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। किसके लिए मंजूरी ली है इसने, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आयुष मंत्रालय ने। बाल रक्षा किट किसने बनाई है, आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए काल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है, 4, 5, 6 या 7। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितनी योजना है, 4। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है, 2.4%, 2.7%, 2.8% या 2.9%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूंजीगत व्यय है GDP का कितने प्रतिशत रहेगा, कितना अनुमान है, 2.9% वर्ष 2022-23 के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, इसका नाम क्या दिया गया है, कलाम फर्स्ट, विक्रम फर्स्ट, आकाश फर्स्ट या ध्रुव फर्स्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम फर्स्ट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा, ऑप्शंस क्या है, 36.1 मिलियन टन, 31.5 मिलियन टन, 25.7 मिलियन टन, 35.4 मिलियन टन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36.1 मिलियन टन तिलहनों का उत्पादन रहा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में
वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा, किस राज्य का? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या मिथिला विश्वविद्यालय? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत को चुना गया है पुनः 2 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत, स्मृति ईरानी, शशि किरणाचार्य, सैयद अकबरुद्दीन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेतन भगत। 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? पोचमपल्ली तेलंगाना, लदपुरा खास मध्य प्रदेश, कोंगथोंग मेघालय, नालगोंडा तेलंगाना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोचमपल्ली तेलंगाना। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब किसे दिया गया है? पोचमपल्ली तेलंगाना को। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? कैसर ए हिंद, गेल मिथुन, भीम काय धनेश या गौरैया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैसर ए हिंद। उस तितली का नाम क्या है? कैसर ए हिंद, जिसको अरुणाचल प्रदेश ने अपनी राज्य तितली घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, भारत ने कुल 7 पदक जीते और तालिका में 2रा स्थान प्राप्त किया। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन गलत हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हैं। जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई है, पहले स्थान पर कौन रहा? दक्षिण कोरिया, और भारत की रैंकिंग क्या रही? 2nd। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य और निवेश का वित्त पोषण? ऑप्शंस क्या हैं? 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4, चारों प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया है, इस बार की थीम क्या है? वन बहाली कल्याण का मार्ग, वन और जैव विविधता, वन और सतत शहर, वन और सतत उत्पादन और उपभोग? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, 2022 की थीम क्या है? वन और सतत उत्पादन और उपभोग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? भारत, अमेरिका, फ्रांस या रूस? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है 7,201 मिलियन टन, 7,204 मिलियन टन, 7,301 मिलियन टन या 7,304 मिलियन टन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7,204 मिलियन टन, ऑप्शन बी, कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का क्या नाम है? आसम, क्यूसिम, शक्ति या सुप्रीम? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूसिम नाम है इसका। क्वांटम सुप कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्या दिया गया है? क्यूसिम। अगला क्वेश्चन, ICC द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? महिला जयवर्धने, सान पोलाक, जेनेट ब्रिटिन या डेविड वार्नर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेविड वार्नर इसमें शामिल नहीं है। हॉल ऑफ फेम दिया गया है 2021 ICC द्वारा, इसमें महिला जयवर्धने को मिला है, सान पोलाक को मिला है, जेनेट ब्रिटिन को मिला है, लेकिन डेविड वार्नर शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, वाराणसी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित पहला रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल, धरती बनर्जी, हेमा श्रीवास्तव या अनिंदा दत्ता? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जोया अग्रवाल को, संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी?
सवर्निटी ऑफ द नेशन, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है, विक्रम, रक्षक, विक्रांत या अर्जुन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का सी, विक्रांत नाम था उसका, जो पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है इसका नाम क्या है, विक्रांत। अगला क्वेश्चन, मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला विश्व का पहला देश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार समझौता, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर या इंडोनेशिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया, नीरा टंडन, वनीता गुप्ता, शीला मूर्ति, प्रीति अरोड़ा। तो अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे चुना गया है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वनीता गुप्ता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, ये किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से, छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लोगों के 10% आरक्षण देने से, या राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक था जिसे पास कर दिया गया है किससे संबंधित है, राज्य तथा केंद्र सरकार को अपनी OBC केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया, सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया, अंतरिक्ष में, किस देश ने, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जापान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस, और इसका नाम क्या था, एस्टर एक्स। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है, सूरत, इंदौर, चेन्नई, बेंगलुरु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर। तो ये सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन है सोम्बी सार्प, नाओमी कावाशे, जिमी हर्डल, जोफ एलार्डिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाओमी कावाशे, यूनेस्को द्वारा यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नाओमी कावाशे को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ऑप्शन है सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लीकल, राहुल बजाज, जोशना चिनप्पा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सौरभ घोषाल। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, सौरभ घोषाल। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, 632 बिलियन डॉलर, 634 बिलियन डॉलर, 637 बिलियन डॉलर या 639 बिलियन डॉलर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 634 बिलियन डॉलर, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का जो आया था उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड किसने जारी किया है, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की विग वैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने, उन्मुक्त चंद, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, दिनेश कार्तिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उन्मुक्त चंद, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, HPCL, PGCL, PFC, HFC। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, किस चीज़ का, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला गया है, जयपुर राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्योरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है, ऑप्शन है नई दिल्ली, चंडीगढ़, सूरत, लखनऊ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़, एयर प्योरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है, चंडीगढ़, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबल किसे प्रदान किया गया है, मारिया रेशा, दामित्री मुराटेव,
अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। शांति का पुरस्कार मारिया दिमित्री, ऐसे याद कर लेना। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को कौन सा दिया गया है, साहित्य का, साहित्य का। अगला क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई, जलधारा अभियान, जल शक्ति अभियान, सुजलम अभियान या मिशन स्वच्छधारा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुजलम अभियान। किसके किसके किस मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, और किस लिए, अपशिष्ट जल प्रबंधन और खुले में शौच मुक्त के लिए, सुजलम अभियान। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया, ऑप्शन IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, IIT बॉम्बे, प्रोजेक्ट उड़ान IIT बॉम्बे का है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, मैं भी डिजिटल 3.0, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। डी ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है, कौन सा प्लांट, ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। अगला क्वेश्चन, सरकार ने PM गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किए हैं, 3, 5, 7 या 10। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राण पोर्टल किससे संबंधित है, वनों के संरक्षण से, जल प्रदूषण के नियमन से, वायु प्रदूषण के नियमन से, जैव विविधता के संरक्षण से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राण पोर्टल किससे संबंधित है, वायु प्रदूषण के नियमन से। अगला क्वेश्चन, बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे की कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय किया है, 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर या 25000 किलोमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कवच सुरक्षा प्रणाली कितने किलोमीटर पर रहेगी, 2000 किलोमीटर पर अभी के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, स्वीडन, फ्रांस, इंग्लैंड, नॉर्वे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड, इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की व्यवस्था के लिए सभी घरों में इंग्लैंड बना है। अगला क्वेश्चन, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। बैठक किस किसकी थी, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कहाँ पर की गई, ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है, तो झुरोंग जो रोवर है किस देश का है, चीन, जापान, रूस या इटली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, झुरोंग रोवर चीन का है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो जिरकॉन मिसाइल किस देश की है ये बताना है, चीन, जापान, रूस या फ्रांस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस। तो 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, समर्पण दिवस, किसकी पुण्यतिथि पर, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया, अहमदाबाद, जयपुर, लुधियाना, जबलपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लुधियाना, कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना कहाँ की गई है, लुधियाना, पंजाब में। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा, 280.4 मिलियन टन, 282.9, 284.6, 286.7। तो 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल कितना उत्पादन रहा था, 282.9 मिलियन टन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? श्रीनगर, लेह, गंगटोक, मनाली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेह। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? लेह में। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जहाँ पर सर्वाधिक वनावरण है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वारियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो अजय वारियर किसके साथ होता है? रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो कि 2020 की है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना निर्माण करने की घोषणा की है? बजट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो रोपवे परियोजनाएं कितनी बनाई जाएंगी? 8। और कितने किलोमीटर का रोपवे? 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? 20%, 25%, 30% या 35%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। वन प्लेनेट सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया? फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? किस सम्मेलन का? न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन, लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागर अन्वेषिका जो है इसको कहाँ से जलावतरित किया गया? कोच्चि बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या विशाखापट्टनम बंदरगाह? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? सेबेस्टियन वेटन, एलेक्सन एल्बन, चार्ल्स लेकलर या लुइस हैमिल्टन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइटहुड की उपाधि से ब्रिटेन की महारानी ने किसे सम्मानित किया? लुइस हैमिल्टन को। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम क्या दिया गया है? सेवा एक्सप्रेस, सुरक्षा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस या जनता एक्सप्रेस? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। पहली हॉस्पिटल ट्रेन है, इसका नाम क्या दिया गया है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 आयोजित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लामितीय किसके किसके बीच में हुआ है? सेसेल्स, ब्रिटेन, मॉरिशस, जापान। तो ये हुआ है सेसेल्स के साथ, भारत और सेसेल्स के बीच होता है लामितीय। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जाँच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का कर्नाटक, ऑप्शन बी। कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किसने की है? कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? चंबल, गोदावरी, केन बेतवा नदी लिंक या नर्मदा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दौधन बांध कहाँ पर बनाया जा रहा है? केन बेतवा नदी लिंक। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? 2022, 2023, 2025, 2026। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2023 तक उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की है केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? लेह, गुलमर्ग, मनाली, श्रीनगर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुलमर्ग। दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ होगा? गुलमर्ग।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ पर बनाई गई है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लॉस एंजेलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चैलेंज वन उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? लेकिन यह है किस देश का चैलेंज वन? नाइजीरिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया या तंजानिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश का है चैलेंज वन? ट्यूनीसिया का। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? रूस द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस क्या है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। सेकंड क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। थर्ड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। फोर्थ क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ है? मिजोरम, देन अरुणाचल प्रदेश, देन मेघालय, देन मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी जो कि 18+ है को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना? उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ऊपर क्वेश्चन हो चुका है ये, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्यावरण से, ऊर्जा से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा से। E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? उर्जित पटेल, गिरीश चंद्र मुर्मू, के सिवन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू को रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागल्ला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? कौन सा ऑपरेशन? तेमान। और किसके लिए एक पनडुब्बी खो गई जिसका नाम क्या था? KRI नागल्ला। ये किस देश की थी? श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हनोई, तिब्लिसी, काठमांडू या बाकू, अजरबैजान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तिब्लिसी, जॉर्जिया। 2021 के लिए किसको नामित किया गया विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में? तिब्लिसी, जॉर्जिया। तो दोस्तों, सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपके 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कृपया इसको लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आपको PDF मिल जाएगी और जिसमें आपको आंसर भी मिल जाएंगे साथ में, तो आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।